स्टूडेंट, दिस इज़ SCGA इंग्लिश क्लासेस बाय दिनेश कुमार श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जो जो चैलेंजेस होते हैं उन चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं चैलेंजेस को हम एक पॉलिटिकल पार्टी की जो कमियां हैं वो भी कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं या उनकी क्या कमियां होती हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी किसी भी डेमोक्रेसी के वर्किंग, मतलब उसके काम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कितनी क्रूशियल हैं, कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये हम जानते ही हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजुअल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वॉट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। हम ये जानते ही हैं कि जो पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेसी का एक विजुअल फेस हैं, यानी डेमोक्रेसी में हमको जो पार्टी हैं वो बिल्कुल विजुअल दिखाई देती हैं। और ये नेचुरल बात है, ये स्वाभाविक है कि जो लोग हैं वो डेफिनेटली ब्लेम करेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी ऐसा करती है जो डेमोक्रेसी के लिए रॉन्ग प्रूव होता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। पूरे संसार भर की बात करें तो लोग अपनी असंतुष्टि को एक्सप्रेस करते हैं किस बात से, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने फंक्शंस को अच्छी तरह से परफॉर्म करने में हमेशा फेल हो जाती हैं। तो उनकी इस फेलियर को वो हमेशा, इससे वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस एक डेमोक्रेसी का इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन करके रहना है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये जो चैलेंजेस हैं इनके सामने, ये जो कमियां हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में अक्सर होती हैं, या तो इनको दूर करें, समझे, या इनका सामना करें। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं वही चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस देखते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी जो आंतरिक जो डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, डेमोक्रेसी हम जानते हैं देश में चलती है, पर एक कोई भी संगठन हो उसके अंदर भी एक डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए फंक्शंस का। तो लगभग पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं सभी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, यानी उसमें आंतरिक रूप से डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। तो पहला चैलेंज क्या है कि जो पार्टी है उसके अंदर जो डेमोक्रेसी है उसकी कमी होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप, है जनरली लगभग संसार की हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति होती है, यानी कि एक तरह की बात पाई जाती है। और वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो पावर का कंसंट्रेशन होता है वो टॉप लेवल के केवल एक या दो लीडर्स के हाथों में ही होता है। यानी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी तरह का जो डिसीजन लिया जाता है, कुछ भी काम किया जाता है, किसी भी तरह की पॉलिसी बनाई जाती है, उसे मोस्टली जो टॉप लेवल के एक दो लीडर होते हैं वही उसको करते हैं। पार्टीज़ डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, और जो पार्टीज़ होती हैं वो अपना मेंबरशिप माने सदस्यों का जो रजिस्टर है उसको नहीं रखती हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, और अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होती हैं जिसमें सारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं, है ना, एक्टिव मेंबर्स भी हैं, सबको उसमें शामिल किया जा सके, ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती है। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, और उसमें जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, जो आंतरिक जो पद होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में हमने पढ़ा हुआ कि कोई उस पार्टी का जिले का सचिव बन गया, कोई महासचिव बन गया, कोई महामंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, तो उनके लिए इलेक्शन नहीं होते हैं। वो अक्सर बिना इलेक्शन के ही अपने किसी पर्सन को ही, अपने आप जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से ही चूज़ कर लेते हैं। जैसे पार्टी का अध्यक्ष चुनने की वाली बात है तो वो अक्सर अपनी मर्जी से ही किसी भी व्यक्ति को चुन लिया जाता है, उसके लिए इलेक्शन नहीं होता है।
ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party. अगर पार्टी का कोई ordinary member है, यानी कोई बहुत ही bottom level का कोई member है, उसे तो कभी पता ही नहीं चल पाता है, इतनी information ही नहीं मिल पाती है कि party के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, उसको इस बात का पता ही नहीं लग पाता है. They do not have means or the connections needed to influence the decision. उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं होता है, कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होता है जिससे वो पार्टी में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर पाएँ, प्रभावित कर पाएँ, मतलब अपना कुछ भी योगदान उसमें दे पाएँ. एज ए रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी. और इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं वो पार्टी के नाम पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनके पास में ग्रेटेस्ट पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है, वही सारे डिसीजंस को लेते हैं. सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन दी पार्टी, क्योंकि जो एक या दो लीडर होते हैं वही उस पार्टी में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी पावर को एक्सरसाइज करते हैं. दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी. तो ऐसे लीडर जो या ऐसे मेंबर्स पार्टी के जो ये डिफ़िकल्ट पाते हैं कि वो कुछ भी उनकी मतलब बात को सहमत नहीं हुआ जाता उनकी बात से, जो पार्टी की जो पॉलिसी हैं उनसे भी वो डिसएग्री रहते हैं, तो वो पार्टी में कंटिन्यू नहीं कर पाते और पार्टी को छोड़ देते हैं. मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट. जनरली क्या होता है कि किसी भी मेंबर के लिए जो पार्टी और पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी जो प्रिंसिपल हैं उनकी लॉयल्टी के बजाय है ना अपने खुद के प्रति जो लॉयल्टी है वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. तो जनरली जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें टॉप लेवल के लीडर हैं है ना जो नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, तो ये बड़े लेवल के लीडर हैं, यही ज़्यादातर जो डिसीज़न होते हैं वो लेते हैं. अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं, तो वही सारे डिसीजन लेते हैं और बाकी किसी की भी नहीं चलती पार्टी में. कांग्रेस में तो जो प्रेसिडेंट होता है वो भी कोई और नहीं होता है, स्पेशली सोनिया गांधी और राहुल गांधी में से ही कोई हर बार बन जाता है चेंज होकर के, कोई दूसरा कभी नहीं आ पाता. नेक्स्ट देखें तो डायनेस्टिक सक्सेशन है ना, इस ये भी एक तरह का जो है चुनौती है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए. ये देखिए क्या होता है डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी वंशवाद की जो एक तरह की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं. द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, यानी जो सेकेंड चैलेंज है ये डायनेस्टिक सक्सेशन का ये फर्स्ट वन से ही रिलेटेड है, पहली वाले से ही, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से ही. जब इंटरनल डेमोक्रेसी होगी ही नहीं तो डायनेस्टिक सक्सेशन डेफिनेटली होगा. सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी. क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने जो फंक्शनिंग होती है उनकी उनकी काम करने की जो प्रोसेस होती है वो ओपन नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, सभी को उसके बारे में पता नहीं होता, पार्टी के सभी मेंबर्स को. तो इसलिए एक ऑर्डिनरी वर्कर के लिए बहुत ही मुश्किल या कह सकते हैं बहुत ही कम उसके लिए ऐसा चांस होता है कि वो पार्टी में टॉप लेवल तक पहुँच पाए है ना. दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन अ पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स. और ऐसे लोग जो कि पार्टी में बहुत ही टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, बड़े लीडर बन जाते हैं, उनकी पोजीशन अच्छी हो जाती है, वो अनफेयर एडवांटेज लेते हैं लोगों के फेवर का और उनके करीब रहते हैं जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं. तो इस तरह से ये डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम होती है और वो कभी भी ठीक नहीं हो पाती है. और देखें इन मैनी पार्टीज टॉप अपोजिशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाई मेम्बर्स ऑफ वन फैमिली. हमने देखा है ज़्यादातर जो बहुत सी पार्टी हैं उनमें क्या होता है कि जो टॉप पोजिशंस हैं वो अक्सर एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल होती हैं. जैसे हम बात करें हमारे पास हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं
जैसे समाजवादी पार्टी है यूपी के अंदर, तो उसमें जो टॉप लीडर्स हैं वो मुलायम सिंह यादव जी हैं और उनके बेटे और उनकी बहू वगैरह सभी उसमें शामिल हैं। कांग्रेस की बात करें तो सोनिया जी हैं, उनके बेटे हैं, प्रियंका जी हैं, तो ये सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये अच्छी पोजीशन में हैं। और अगर एक और पार्टी की बात करें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, तो उसमें लालू यादव जी की पार्टी है, तो उनके बच्चे हैं वही उसमें ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अलग अलग मेंबर्स हों, तो इस तरह की हमें नहीं देखने को मिलते। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी। तो ये दूसरे मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए ये अनफेयर होता है, क्योंकि अलग एक ही फैमिली के परिवार के लोगों को हमेशा चुन लिया जाएगा, तो क्या होगा कि जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको अच्छी पोजीशन पर पार्टी में पहुंचने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी को छोड़कर बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन कभी भी वो पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में वर्क नहीं किए हैं। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत बुरा है, सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजिशंस ऑफ पावर। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है इस प्रोसेस से कि ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता है, पॉपुलर सपोर्ट नहीं होती, यानी लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो भी क्या होता है पोजीशन में आ जाते हैं, उनकी पावर उनके हाथ में पावर आ जाती है। तो जैसे हम बात करें कांग्रेस पार्टी में, जैसे अक्सर कांग्रेस पार्टी के ही जो बहुत से लीडर होंगे वो शायद राहुल गांधी जी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अच्छी पोस्ट पर रहते हैं। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और लेकिन इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो लगभग संसार भर में पाई जाती है, इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज, है ना, पुरानी जो डेमोक्रेसीज हैं उनको भी मिला करके। अब देखिए नेक्स्ट चैलेंज क्या है, वो है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। मतलब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें मनी और मसल्स पावर का जो रोल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। द थर्ड चैलेंज इज अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। विशेष रूप से किस समय होता है ये, इलेक्शंस के टाइम पर। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, क्योंकि जो पार्टीज हैं उनका फोकस केवल किस पर रहता है, इलेक्शन को विन करने में। वो चाहती हैं सिर्फ इलेक्शन जीतें, किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपना लिया जाए लेकिन इलेक्शंस जीत जाए, ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन, और इसलिए वो शॉर्टकट्स का यूज करती है इलेक्शन को विन करने के लिए। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, और वो ऐसे ही कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं जो या तो जिनके पास बहुत सारे धन पहले से ही है या फिर जो बहुत सारे धन को रेज कर सकते हैं, मतलब पैदा कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को वो हमारा अपना कैंडिडेट चूज़ करती हैं, जिससे क्या होता है ऐसा करने से वो मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा धन उनके पास होता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का अच्छे से ज़्यादा प्रचार कर पाते हैं। तो रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो जनरली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो रिच पीपल होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं उनको फंड देती हैं, यानी उनको एक तरह का जो डोनेशन कह सकते हैं, चंदा कह सकते हैं, वो देती हैं। और जब वो इतना पैसा देती हैं तो डेफिनेटली वो पॉलिटिकल पार्टी के काफ़ी करीब होंगी, और पॉलिटिकल पार्टी के सामने अगर अपना कोई पक्ष रखती हैं वो, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज को वो उनका पक्ष मानना पड़ेगा, जो बात उनकी है वो माननी पड़ेगी। तो और कई केस में तो ऐसा होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं वो क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती हैं इलेक्शन को विन करने के लिए, जैसे पुराने समय में। अब थोड़ा सा ये कम हो गया है क्योंकि कानून कुछ बने हैं। पुराने समय में क्या होता था, जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो लोग होते थे उनको बना दिया जाता था कैंडिडेट, और वो इजीली बंदूक के दम पर या अपनी पावर के दम पर इलेक्शन में वोट हासिल कर लेते थे। तो जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, प्रजातांत्रिक लोग हैं जो पूरे संसार भर के, वो इस बात से काफ़ी
कह सकते हैं कि परेशान है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो इन चीज़ों का जो रोल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो नेक्स्ट देखिए चैलेंज है वो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि द फोर्थ चैलेंज इज़ दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अक्सर क्या देखने को आता है कि जो वोटर्स होते हैं उनको मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती है इलेक्शन के टाइम पर या कभी भी। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं दिखती है लोगों को कि वो बेटर हो, यानी सबसे अच्छी हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल व्यक्ति ना हो या कुछ भी इस तरह का ना हो जो वो पसंद ना करें। तो इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस द पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज अमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटिल। तो अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि एक पार्टी है वो उसमें जो लीडर्स हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं और बहुत अच्छे नहीं हैं और उसमें बहुत सारी कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो और साथ ही साथ जो दूसरी पार्टी है उसमें भी हमें सेम देखने को मिलता है, तीसरी है उसमें भी हमें सेम देखने को मिलता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि आखिर हम किस पार्टी को चूज़ करें, कौन सी पार्टी को हम अपनी चॉइस बनाएं। तो ये हमारे लिए या वोटर्स के लिए एक बड़ी समस्या होती है, बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि वो जिस पार्टी को आखिर वोट तो देना है और वोट देना है तो किसी ना किसी को तो चुनना है, और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे सामने खड़े हैं उन सभी की क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर कोई भी पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा नहीं है। तब लोगों के सामने प्रॉब्लम आती है कि वो क्या चूज़ करें। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि जो बेटर होता है वही देखते हैं कि जो जिसने मान लीजिए कि क्राइम है किसी के लिए, किसी के साथ में 20 क्राइम केसेस हैं, किसी के साथ में 10 क्राइम केसेस हैं, तो बेटर क्या लगता है जिसके साथ 10 क्राइम केसेस हैं लेकिन क्रिमिनल वो भी है, और हम क्या करते हैं फिर उसी को चुनते हैं क्योंकि उसके पास कम क्राइम है। तो इस तरह से हमारे पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है कि हम किस तरीके से किसी भी पार्टी को चुने के वो हमारे लिए ज़्यादा या देश के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। यानी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, एग्री तो होती हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर, है ना, लेकिन क्या होता है उनकी जो डिटेल्स होती हैं और कैसे वो पॉलिसीज़ को फ्रेम करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, इन सब के बारे में उनमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। यानी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह से मतलब कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हों लोग सेम जैसी ही नज़र आती हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। जैसे अभी मैंने पढ़ा कि ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, उनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नज़र नहीं आता है उनकी पॉलिसीज़ में या किसी में भी। तो यहाँ यही प्रॉब्लम है। इन अवर कंट्री टू द डिफरेंसेस अमंग द ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। हमारे देश में भी अगर हम बात करें तो जो मेजर पार्टीज हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के वो थोड़े से कम हुए हैं, बिल्कुल या कहें कि हैं ही नहीं हैं। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। और ऐसे लोग जो बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसीज चाहते हैं उनके पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफिकल्ट लीडर्स आइदर, डिफरेंट लीडर्स आइदर। कई बार तो ये होता है कि जो लोग हैं वो किसी डिफरेंट लीडर्स को भी नहीं चुन पाते हैं, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडरशिप कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। क्योंकि क्या होता है कि बिल्कुल सेम सेट ऑफ लीडर्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट करता रहता है। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे एक पार्टी का कोई कैंडिडेट है और आपको लगता है कि ये पार्टी का कैंडिडेट अच्छा है, मैं इसको चूज़ कर लूँ, आप उसे चूज़ कर लेते हैं, और क्या आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ कर लिया, पर क्या हुआ वो पर्सन बाद में कुछ भी उसकी अच्छी पॉलिसी या किसी की वजह से भी उसने वो पार्टी छोड़ दी और वो किसी दूसरी पार्टी में पहुँच गया, उस पार्टी में जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे जो हमें पढ़े वो क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चैलेंजेस हैं, उनकी कमियां हैं, इनको दूर करना
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहद ही ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को मीनिंगफुल चॉइस मिल सके, जिससे कि लोग अच्छी पार्टी को चुन सकें। तो देखिए कैसे इनको हम रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इनके टॉपिक को भी पढ़ेंगे कि कैसे इन पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जाता है। तो हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, यानी पार्टीज़ को हम रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज़ मेड बाई लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। किसी भी डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है वो लीडर्स के द्वारा लिया जाता है, जो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, कि पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से या कौन रिप्रेजेंट करेगा। पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। लोग उनको रिप्लेस तो करते हैं वोट करके, लेकिन क्या होता है, केवल जो दूसरी पार्टी होती है उसके जो लीडर हैं वही रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब अब मान लीजिए कि आप किसी दो पार्टी हैं उनमें से किसी को भी नहीं चाहते, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो आपको जनरली दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ता है। हालांकि अब जो है एक स्पेशल वो आ गया है कि अगर आप इस किसी को भी चूज़ नहीं करना चाहते तो आप नोटा दबा सकते हैं, यानी नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव। तो इस मतलब इसका होता है कि आप किसी को भी चूज़ करना नहीं चाहते। जैसे हम जब वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर ईवीएम मशीन होती है, तो उसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सबका नाम लिखा होता है और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनका जो सिंबल है पार्टी सिंबल वो भी उस पर प्रिंटेड होता है। तो आपको उनके सामने का बटन दबाना होता है ईवीएम में। और लेकिन अगर हम किसी भी पार्टी को चूज़ नहीं करना चाहते, किसी भी कैंडिडेट को चूज़ नहीं करना चाहते, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है उसमें नोटा दबाने का। पहले ये नहीं हुआ करता था, अब होता है। लेकिन अगर हम सारे लोग नोटा दबाएंगे तो फिर पार्टी बन नहीं पाएगी देश में और सरकार नहीं चल पाएगी। तो इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, और अगर ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं कोई भी खुद रिफॉर्म नहीं होना चाहे, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज। तो कोई भी व्यक्ति किसी को कैसे फोर्स कर सकता है कि चेंज होने के लिए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर। आइए पढ़ते हैं कि हमारे देश में क्या कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं कि जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी और उसके जो लीडर्स हैं उनको किसी भी तरह से सुधारा जा सके, उनको रिफॉर्म किया जा सके। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो रीज़न कह सकते हैं उपाय है वो क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। सबसे पहले क्या किया गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रयास किए गए हैं अभी तक जो अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया, यानी संशोधित किया गया, जो इलेक्टेड MLAs और MPs हैं उनको पार्टी चेंज करने के लिए। यानी अक्सर क्या होता था पहले कि जो MLAs और MPs हैं वो क्या करते थे कि जैसे इलेक्शन उन्होंने जीत लिया लोगों की सपोर्ट हासिल करके, या कहें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो थे और लोग कुछ लोगों को वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगी और उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी के उस कैंडिडेट को चुन लिया और वो MP बन गया या MLA बन गया। लेकिन पार्टी से MP और MLA बनने के बाद में किसी दूसरी पार्टी ने क्या किया, उसको लालच दे दिया या उसको कोई पार्टी के अंदर कोई अच्छी पोस्ट देने का प्रॉमिस कर दिया, तो वो क्या करता था उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था। तो ये बड़ी समस्या थी उस समय। तो इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा संशोधन कर लिया कि जिससे कि लोग ऐसा ना कर सके। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडरलिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवार्ड। कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना, जो चुने लिए जाते थे जनता के द्वारा, वो कैश रिवार्ड के लिए या मिनिस्टर पद के लिए क्या करते थे, अपनी पार्टीज को चेंज कर लेते थे, डिफेक्शन में शामिल हो जाते थे। डिफेक्शन क्या होता है, ये पॉलिटिकल लीडर्स का, है ना, इलेक्शन जीतने के बाद और किसी लालच में आकर पार्टी को चेंज कर लेना। नाउ द लॉ सेज, अब जो कानून बना है वो ये कहता है कि अगर कोई MLA और MP चेंजेस पार्टी, अपनी पार्टी चेंज करता है
ही और सी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। तो वो जिस जहाँ से भी जो उसने अपने सीट जीती होगी तो वहाँ की सीट को वो लूज़ कर देगा। जैसे उसने सपोज कीजिए कि आगरा से कोई एमपी है और उसने भारतीय जनता पार्टी से उसने इलेक्शन विन किया और बाद में क्या किया कि उसने पार्टी चेंज कर ली, वो कांग्रेस पार्टी में चला गया या किसी दूसरी पार्टी में, तो क्या होगा कि वो उसको जीता हुआ आगरा से नहीं माना जाएगा, आगरा के लिए फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा उस सीट के लिए, तब वहाँ से जो जीतेगा वही आगरा का फिर एमपी कहलाएगा। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। और इस नए कानून की वजह से क्या हुआ है कि जो डिफेक्शन की जो प्रोसेस थी वो थोड़ी कम हुई है। एट द सेम टाइम हिज दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट। और इस ठीक उसी समय जो क्या किया इस नियम ने कि जो असहमति है लोगों की उसको कर पाना मोर डिफ़िकल्ट बना दिया है, यानी एमपी एमएलए अब चेंज नहीं कर सकते, अपनी असहमति नहीं जता सकते। एमपीज एंड एमएलएज हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। और जितने भी एमपी और एमएलए हैं पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जो क्या डिसाइड करते हैं उसके प्रति उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए जो रास्ता है जिसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सकता है वो भी कर दिया गया है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया है कि जो पार्टी के अंदर मनी और क्रिमिनल्स का जो रोल है ना, उसको कम किया जाए, उसका जो प्रभाव है वो ख़त्म कर दिया जाए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि ये सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी कर दिया है, आवश्यक कर दिया है कि जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं वो क्या करेंगे, एक एफिडेविट फाइल करेंगे और उस एफिडेविट में वो क्या कहेंगे, एफिडेविट को हम हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र, तो उसमें वो क्या कहेंगे, अपने जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल देंगे, जितने भी उनके क्रिमिनल केसेस हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उन सब की डिटेल्स देंगे, तो ये सब पूरी डिटेल उनको देनी पड़ेगी। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। और इस तरह से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं कैंडिडेट के बारे में वो लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं। बट देर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई द कैंडिडेट इज़ ट्रू। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम फिर भी नहीं बना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा दी गई हैं कैंडिडेट के द्वारा क्या वो सही हैं, ये जानने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। एज येट वी डू नॉट नो इफ इट इज़ है इट हैज़ लीड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल्स। और साथ ही साथ हमको ये भी नहीं पता है क्या इससे जो रिच और जो क्रिमिनल्स हैं क्या उनका प्रभाव कम हुआ है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चलो ये तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट जी ने कि जो कैंडिडेट होंगे उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपने जो क्रिमिनल केसेस हैं उन सब का ब्यौरा देना पड़ेगा। अब दे तो दिया, लेकिन उसके बाद में अगर उनके साथ में क्रिमिनल केसेस हैं तो क्या उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने से मना कर दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। जितने भी लीडर होते हैं वो क्रिमिनल केसेस को रख देते हैं, इससे सिर्फ ये होता है कि लोग क्या करें कि केवल जो क्रिमिनल केस वाला कैंडिडेट है उसको चूज ना करें। लेकिन हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे जैसे क्षेत्र में इलेक्शन होने वाला है, अब वहाँ जो भी कैंडिडेट खड़े हैं सबके साथ में क्रिमिनल केसेस हैं, बस डिफरेंस इतना है किसी के साथ में ज़्यादा है किसी के साथ में कम है, तो हम कौन से कैंडिडेट को चूज़ करें कि जिसके साथ क्रिमिनल केस ना हो, सभी के साथ है, तो ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। तो सुप्रीम कोर्ट जी को ये और करना चाहिए कि जैसे ही जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो उसको चांस ही ना मिले, उसको बिल्कुल मना कर दिया जाए कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक और सुझाव है, एक और उपाय किया गया है। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे एक ऑर्डर पास किया है जिससे ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नेसेसरी कर दिया गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस को होल्ड करेंगे, यानी उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस होते हैं जो पार्टी के अंदर जो पद होते हैं
मंत्री जैसे प्रेसिडेंट का पद, पार्टी प्रेसिडेंट या जो दूसरे तरह के जो सचिव वगैरह होते हैं उन सब का इलेक्शन होगा और फाइल देयर इनकम टैक्स, और जो पार्टी है वो अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइल है उसको भी पूरा करेगी। तो ये तो कर दिया, इसमें भी डिफेक्ट आता है कि ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन तो हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए ही होता है और किसी के लिए नहीं होता है, जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है उसी के लिए ही होता है। और उसमें भी क्या होता है कि वो पहले से डिसाइड किया होता है कि ये बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, और फिर जब भी वोटिंग अगर होती है तो उसी के नाम पे वोटिंग हो जाती है, सब लोग उसी को ही वोट करते हैं। जो छोटे मेंबर होते हैं बॉटम लेवल तक के वो उसमें शामिल नहीं होते हैं, इसलिए वो अपनी डिसेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ मोर फॉर्मेलिटी। पार्टीज इस तरह का स्टार्ट करती है करना, लेकिन कई बार ये क्या होती है, केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ दिस स्टेप हैज़ लीड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। और ये बात भी क्लियर नहीं है कि क्या इस स्टेप से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी है क्या वो बड़ी है, इस बात का कोई भी स्पष्ट उदाहरण नहीं है। बिसाइड दिस मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा बहुत सारे सजेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए कहे जाते हैं। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी तो ये कौन कौन से सुझाव हैं जो दिए जा सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक कानून बनाया जाना चाहिए किसके लिए, जो इंटरनल अफेयर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आंतरिक मामले हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उन पर कोई नियंत्रण होने के करने के लिए एक नियम बनाया जाना चाहिए। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। सबसे पहले तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करें, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अपनी पार्टी का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसमें कुछ नियम कानून बने और सारे के सारे जो मेंबर्स हैं चाहे वो टॉप लेवल के लीडर्स हों चाहे वो बॉटम लेवल के लीडर्स हों सभी उन नियम को फॉलो करें। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, और एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अथॉरिटी उसमें होनी चाहिए। टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, कि जब भी कभी पार्टी में कोई डिस्प्यूट हो, किसी भी तरह का झगड़ा हो, तो क्या हो वो एक जज के रूप में काम कर सके। टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टी में जो हाईएस्ट पोस्ट होती हैं उनके लिए ओपन इलेक्शन को वो हेल्ड करें। नेक्स्ट सुझाव है, देखिए, इट्स शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वेमेन कैंडिडेट। यानी हर पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, आवश्यक कर दिया जाना चाहिए कि वो लगभग मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स को, लगभग 1/3 टिकट्स को, जितने भी कैंडिडेट वो अपने इलेक्शन के टाइम पे उन उतार रहे हों तो उसमें से लगभग जो 1/3 सीट्स हैं उन पर वुमेन कैंडिडेट को वो प्रेफरेंस दें। सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। और उसी प्रकार से जो डिसीजन मेकिंग वाली पार्टीज होती हैं, यानी जो डिसीजन मेकिंग मेकर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उनको जो जो लोग मिलकर के लेते हैं, तो उनमें भी जो वुमेन हैं उनकी पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव है, और देखते हैं, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, यानी कई बार हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी जो रिच पीपल और क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो पीपल होते हैं उनसे उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, उनसे वो पैसा ले लेते हैं और उस पैसे को वो इलेक्शन के टाइम पर यूज़ करते हैं और उसमें लोगों को लालच देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आजकल अल्कोहल को पसंद करते हैं, तो वो उन्हें अल्कोहल देते हैं, उनको पार्टीज आयोजन होती हैं उनमें उन्हें शामिल करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, मतलब सबको इंजॉय कराते हैं जिससे कि लोग उनको वोट कर सकें। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो एक नियम बन जाना चाहिए कि जो इलेक्शन में जितना भी खर्च होगा उसके लिए जो सरकार है वो ही पार्टी को फंड प्रोवाइड करेगी और उससे कह देगी कि ये इतना हम धन दे रहे हैं तो मैं इससे ज़्यादा आपके प्रचार प्रसार पे धन एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, स्पेंड नहीं होना चाहिए। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड
और ये इस तरह की सपोर्ट है वो किस तरीके से दी जा सकती है, देखिए पेट्रोल के रूप में, पेपर के रूप में, टेलीफोन के रूप में, और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। और इसको कैश मनी के रूप में भी इसको दिया जा सकता है, लेकिन वो किस आधार पर कि जो पिछला इलेक्शन है उसमें पार्टी ने कितने वोट्स को सिक्योर किया था अपने लिए। तो इस तरह के जो अगर हम देंगे तो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी रिच या क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति से पैसा लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगी। तो हमने देखिए इतने सारे जो हमारे उपाय किए गए हैं वो हमने पढ़े, साथ ही साथ जो सुझाव और दिए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए वो भी पढ़े। तो अब पढ़ते हैं यूटिलिटी ऑफ एबव रिफॉर्म्स, यानी कि ये जो रिफॉर्म्स ऊपर दिए गए इनकी यूटिलिटी क्या है, क्या ये बिल्कुल सही हैं, क्या हर पॉलिटिकल पार्टी इन रूल्स को फॉलो करती है। तो दिस सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इन सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट, अगर कभी भी अगर इनको एक्सेप्ट किया जाएगा तो इनसे ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा, बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम, लेकिन हमको जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लीगल सॉल्यूशन के लिए हमेशा केयरफुल होना चाहिए। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ओवर रेगुलेट कर देंगे, उन पर ज़्यादा ही नियंत्रण लगा देंगे तो ये इसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ, और इससे क्या होगा, जो सारी पार्टीज़ हैं वो क्या करेंगी, कानून को चीट करने के तरीकों को ढूंढेंगे कि कैसे भी जो पार्टी जो कानून बनाए हुए हैं उनको किसी भी तरह से चीट किया जाए। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक, और इसके अलावा जब वो पावर में आ जाएगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो वो ऐसे किसी भी लॉ को बनाएगी नहीं, है ना, जो उनको जिस लॉ को वो पसंद नहीं करती हो, तो ऐसे किसी भी लॉ को बनाने पर वो एग्री नहीं होगी। देर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, मतलब ये ऊपर जितने भी रिफॉर्म दिए गए हैं उनको फॉलो कर पाना ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है, वो उनको कर ही नहीं, कानून बन भी जाएंगे तो वो उनको करेंगी नहीं। तो एक दो तरीके और दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, है ना, और ये इफ़ेक्टिव तरीके हैं अगर ये कराए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता। तो वन पीपल कैन नॉट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, तो पहला है कि लोग प्रेशर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर प्रेशर पुट नहीं कर सकते, कोई भी दबाव नहीं डाल सकते। दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशंस पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस, अगर ये किया जा सकता है तो केवल पेटिशंस से किया जा सकता है, उनसे याचिका करके किया जा सकता है, पब्लिसिटी से किया जा सकता है, या फिर एजिटेशन माने कोई आंदोलन वगैरह करके किया जा सकता है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस, और इस प्रोसेस में क्या हो सकता है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव डालते हैं, आंदोलन होते हैं, मूवमेंट्स और मीडिया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं इस क्षेत्र में। ए पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाई नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स, केवल क्या होना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ये महसूस करने लगे कि अगर वो अपने आप को रिफॉर्म नहीं करती है तो उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना, जितने भी पब्लिक है वो सब इस बात को ध्यान में रख लें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर उसमें किसी भी तरह का डिफेक्शन है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट बिल्कुल भी ना करे। लोग अगर इस बात को समझ लें तो क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको विचार करना पड़ेगा कि उसको कैसे भी अपने आप को रिफॉर्म करना है ताकि लोग उसको सपोर्ट कर सकें। टू पीपल टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये दूसरा है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक और तरीका जिससे इम्प्रूव किया जा सकता है कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म हो और जो ये सुझाव देते हैं कि ये सुझाव उसके लिए ज़रूरी हैं, वो लोग पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टी को सुझाव दिया कि वो इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करे, इंटरनल
ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स करें, रजिस्टर मनी एंड मसल पावर को अपने से दूर रखें, तो ऐसे जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करने का हिस्सा मिले, सॉरी मौका मिले। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन की डिग्री पर डिपेंड करती है, यानी कितना पब्लिक पार्टिसिपेट करती है उस पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये इस बात पर निर्भर करती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिसी पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर पाना या उसको सुधारना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि यदि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो इसमें पार्ट नहीं लेते हैं और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। अगर वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, उनकी आलोचना या बुराई नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेंगी। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाई मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स, है ना। जो बैड पॉलिटिक्स की जो प्रॉब्लम है उसको बेटर जो पॉलिटिक्स होती है उसी के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर, और इसके बारे में इसी थीम पर हम जो हमारा फाइनल चैप्टर है हम उसमें बात करेंगे, है ना। और यहाँ तक आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर ही आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।